नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सीटेट 2019 के बारे में। बात करेंगे पास होने के लिए आपको कितने नंबरों की ज़रूरत होती है, पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए। और इसके अलावा अगर आप सीटेट 2019 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अगर आप मार्केट से तेल लेते हो तो लगभग 5,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना है और हमारे लिंक पर क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 7 जुलाई को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET का आयोजन करेगा। CTET एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के फॉर्म भराए वे ऑफिशियल वेबसाइट CTET.NIC.IN पर के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक CTET पेपर फर्स्ट के लिए 8,17,892 उम्मीदवारों ने और 4,27,897 उम्मीदवारों ने पेपर दो के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और 8,38,381 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पेपरों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। बोर्ड ने अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 90 मिनट पहले केंद्र पर प्रवेश करने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। परीक्षा दो पालियों में ली जाएगी, आपको बता देना चाहेंगे। पहली पाली आपकी 9:30 से 12 बजे तक होती है और दूसरी पाली 4:30 बजे तक यहाँ पे होती है, 2 से 4:30 बजे तक। दोनों पेपर आपके 150-150 नंबर के होंगे। और इसमें यहाँ पे बात करें किसी भी स्टेशनरी आइटम यानी जो स्टेशनरी का आइटम होता है आपका, प्रिंट या लिखा हुआ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पेन, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल या फिर इलेक्ट्रिक पेन, स्कैनर, की कार्डबोर्ड आदि आपको साथ लेकर नहीं जाना है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको 10% आरक्षण की याचिका के सुनवाई के लिए ये याचिका एक्सेप्ट कर ली है। और अब यहाँ पे जब भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो यहाँ पे उम्मीद यही की जा रही है कि जो EWS के कैंडिडेट हैं उनको मात्र यानी 82 नंबर अगर उनके आते हैं 150 में से तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, ये उम्मीद की जा रही है कि इतने नंबर वाले यहाँ पे पास होंगे। आपको बता देना चाहूँगा SC ST और OBC के लिए यहाँ पे 55% नंबर लाना ज़रूरी है इस बार अगर आप पास होने के लिए, और 82 नंबर आपके होने चाहिए 150 में से। वहीं पर जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों को 90 नंबर लाने पड़ते हैं। और इस बार यहाँ पे EWS का आरक्षण पे देखते हैं कोर्ट क्या फैसला देता है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।